सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे चैनल को हॉलीवुड मूवीज और सीरीज की लेटेस्ट अपडेट और हिंदी डबिंग न्यूज के लिए, और साथ ही बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के जरिए हम बात करने वाले हैं दो सीरीज और एक मूवी के बारे में। तो ये जानते इस वीडियो में बिना देरी किए। तो फर्स्ट अपडेट है 2021 की कोरिया की हाईली एंटीसिपेटेड सीरीज स्नो ड्रॉप से। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप सभी को इस सीरीज के एक्सक्लूसिव हिंदी जब अपडेट दिया था, तो अब जाके डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि इसकी सीजन वन की जो सभी एपिसोड है वो वीकली बेसिस के तौर पर रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी 9 फरवरी से। जी हाँ गाइस, इसकी फर्स्ट एपिसोड आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे 9 फरवरी से हिंदी डब लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और अगर हर एक वीक इस सीरीज की सीजन वन की एक एपिसोड रिलीज होती है तो इसकी लास्ट एपिसोड आपको 25 मई को देखने को मिलेगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही अपडेट है। अगर इन फीचर कोई अपडेट निकल के आएगी इस बारे में तो मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। तो हमारा अगला अपडेट है नेटफ्लिक्स की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी द ग्रे मैन से, जिसकी बजट है 200 मिलियन, जो इंडियन रुपीज में होती है करीब 1500 करोड़। यानी गाइस, अभी तक नेटफ्लिक्स की इतनी महंगी मूवी नहीं आई है। और हाल ही में नेटफ्लिक्स ने इस मूवी की जो फर्स्ट लुक है उसे रिवील कर दिया है। और जो लोग इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में जानना चाहते हैं तो उन सभी को बता दूं कि हाल ही में न्यूज 18 की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये मूवी आपको जून के महीने में देखने को मिलेगी। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, और अदर रिपोर्ट भी यही सजेस्ट करती है कि ये मूवी आपको जून के महीने में ही देखने को मिलेगी। और इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि द ग्रे मैन है वो आपको जुलाई के महीने में देखने को मिलेगी। तो जो भी हो गाइस, ये कंफर्म है कि आपको ये मूवी इस समर देखने को मिलने वाली है। और अपडेट के अकॉर्डिंग इस मूवी की जो रिलीज डेट की अनाउंसमेंट है वो नेटफ्लिक्स बहुत ही जल्द कर सकती है, तो चांसेस ज़्यादा है कि इस महीने के एंड तक कर दे। तो हमारा अगला अपडेट है नेटफ्लिक्स कोरिया की जॉम्बी सीरीज ऑल ऑफ असार डेड से। जी हाँ गाइस, इस सीरीज ने नेटफ्लिक्स पर एक रिकॉर्ड बना दी है। जी हाँ गाइस, नेटफ्लिक्स की जो 1 वीक की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इस सीरीज की सीजन 1 को करीब 124 मिलियन आवर वॉच टाइम मिली है, जो सेकेंड नंबर पे आती है स्क्विड गेम के बाद। और इसी के साथ ये सीरीज वर्ल्ड वाइड 84 कंट्रीज में अपनी जगह टॉप 10 लिस्ट में बनाई हुई है। यानी गाइस, ये सीरीज भी स्क्विड गेम की तरह पॉपुलैरिटी बटोर रही है दुनिया भर में। तो जो भी हो गाइस, इन सभी के जो फायदा है वो इस सीरीज के सीजन 2 की रिन्यू के लिए हेल्पफुल साबित होगा। फिलहाल अभी इसकी सीजन 1 को क्रिटिक्स और व्यूवर्स की तरफ से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो अगर आपने अभी तक इसकी सीजन 1 को नहीं देखा है तो जाके नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब लैंग्वेज में ट्रैक कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरे पास बस इतना ही अपडेट है। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। अगर आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।